फ्रेंड्स वेलकम टू यू कैन स्पीक इट एंड वॉच अवर 5 डेज एंड बाय अवर 60 डेज अलॉन्ग विथ 4 बुक्स के सीरीज में आपका स्वागत है। यह हमारे स्टूडेंट्स का तीसरा दिन है और तीसरे दिन का यह 6 नंबर का वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियोस अपलोड किए हैं। आपको हर कोई वीडियो डे वाइज एंड सिक्वेंस वाइज ही देखना है, लेकिन हमारा हर कोई वीडियो डे वाइज एंड सिक्वेंस वाइज देखते समय मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि आपके लिए हमने एक बैच क्रिएट की है और उस बैच को हम 5 दिन तक लाइव क्लासरूम के जरिए एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग के साथ पढ़ाने वाले हैं। आपको हर कोई वीडियो डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज ही देखना है और कोई भी एक वीडियो देख के आपको अनुमान नहीं लगाना है या गेस नहीं करना है। इसी प्रकार अगर आपको हमारा 5 दिन तक का शेड्यूल पसंद आता है तो आप 60 डेज का शेड्यूल अलोंग विद 4 बुक्स परचेस कर सकते हो। इसके बारे में अधिक जानकारी हमने इस वीडियो के बाद तथा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। फ्रेंड्स हमारे बच्चों का यह तीसरा दिन है और तीसरे दिन हम बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप हम उनको पढ़ाने वाले हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का नकारात्मक टेंस पढ़ाते समय आपको हम हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल्स, इन्फिनिटिव्स इनके बारे में जानकारी देने वाले हैं और डू डस डिड का रूल हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यह रूल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्रामर सीखना है, ग्रामर में परफेक्ट होना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आपको हमारा यह शेड्यूल डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज देखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार यह वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के अंत में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेकंड टाइप की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, एक्टिविटीज कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना है और कोई भी वीडियो देख के आपको गेस नहीं करना है। लेकिन जब आप यह वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ हम टेंसेस नहीं पढ़ाते हैं, टेंसेस पढ़ाते पढ़ाते हम आपको ग्रामर के भी टेक्निक्स देते हैं, प्रैक्टिस के भी टेक्निक्स हमारे पास है। लेकिन हमारे बच्चों का यह सिर्फ तीसरा दिन है, लेकिन तीसरे दिन में हम बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे जाने वाले हैं, इस वीडियो से आप वो देख सकते हो। फ्रेंड्स मैं आपको हर कोई वीडियो में जानकारी देता हूं कि आपके लिए हमने 60 डेज का शेड्यूल अलोंग विद 4 बुक्स बनाया है। अगर आपको वो 60 डेज का शेड्यूल अलोंग विद 4 बुक्स देखना है तो आप पेन ड्राइव वर्जन अलोंग विद 4 बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आपको हमारा पूरा शेड्यूल सिर्फ मोबाइल में देखना है तो हिंदी इंग्लिश वर्जन के लिए आप यू कैन स्पीक किट एंड ऐप यह प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। देन हमारे ऐप के स्टोर के ऑप्शन में जाके आप पूरा शेड्यूल परचेस कर सकते हो। देन आफ्टर 4 बुक्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पते पे भेज सकते हैं। और अगर आपको मराठी इंग्लिश वर्जन का शेड्यूल परचेस करना है तो आप वीटी शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस यह ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो और स्टोर के ऑप्शन में जाके 60 डेज का शेड्यूल परचेस करें और 4 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करें, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपके पास हमारे 4 बुक्स होने जरूरी है। फ्रेंड्स इसी प्रकार अगर आप यह शेड्यूल हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू वॉच मोर एंड मोर वीडियोज एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। विश यू ऑल द बेस्ट। हमारा यह ऐप शेड्यूल परचेसिंग का डेमो वीडियो जरूर देखें। इस ऐप के स्टोर के ऑप्शन में आपको 67 वीडियोस मिलेंगे। यह सब डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज शेड्यूल है। देयर आर टोटल 67 चैप्टर्स। अगर आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो आपको वह कंटेंट लॉक्ड नजर आएगा, लेकिन बाय के ऑप्शन में जाके आप कार्ड, नेट बैंकिंग या वैलेट के जरिए हमारा शेड्यूल परचेस कर सकते हो। उससे एक साल तक बार बार देख सकते हो। और हमारा शेड्यूल परचेस करने के बाद 4 प्रिंटेड बुक्स हम आपको कुरियर तथा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेंगे। और गलती से यह ऐप आपसे डिलीट होता है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और मेल आईडी से आप फिर से हमारे ऐप में लॉगिन कर सकते हो। हमारे ऐप के स्टडी मटेरियल में हम इन फ्यूचर आपको नए नए टेक्निक्स दे सकते हैं। अगर आप हमारा 60 डेज का शेड्यूल परचेस करते हो तो इन फ्यूचर हम आपकी बैच भी क्रिएट कर सकते हैं तथा नए नए अपडेट्स भी आपको मिल सकते हैं। सो इन नेक्स्ट टाइप वी आर गोइंग टू लर्न सेकंड टाइप ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं और यह सेकंड टाइप इंपॉर्टेंट है। कोई भी टेंस हाँ ना या सवाल से फॉर्म होता है और हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन पढ़ी है। किसी की भी आदत बताने के लिए, हर रोज होने वाली क्रियाएं बताने के लिए, सच बताने के लिए, भगवान की देन है, प्रोफेशन बताने के लिए या न्यूज़पेपर में कोई खबर है तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप क्या है? कोई भी टेंस अगर आपको फॉर्म करना है तो हाँ ना या सवाल से आप फॉर्म कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बोला है आई प्ले, इट मीन्स मैं खेलता हूँ, मुझे खेलने की क्या है आदत है। हम खेलते हैं वी प्ले, तू खेलता है यू प्ले, तुम खेलते हो यू प्ले, वे खेलते हैं दे प्ले, वो लड़का खेलता है ही प्लेज, वो लड़की खेलती है वो कुत्ता राम खेलता है, शाम खेलता है, शाम को खेलने की क्या है आदत है। तो टाइप फर्स्ट से मैंने क्या सीखा है?
सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली मैं वर्ब लेता हूँ और आफ्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वर्ब को मैं यस यस सफिक्स लगाता हूँ, लेकिन यह टेंस मैंने कहाँ पे यूज किया? अपनी या दूसरों की आदत बताने के लिए मैंने यूज किया। सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या क्या करता हूँ मैं बता सकता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस से, जैसे आई विल संगम ने आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई ब्रश टीथ, आई टेक बाथ, आई ड्रिंक मिल्क, आई रीड न्यूज़पेपर। इसी प्रकार उस लड़के की मैं आदत बता सकता हूँ, हर रोज होने वाली क्रियाएं बता सकता हूँ। कोई भी जिंदा व्यक्ति है रेगुलर हैबिट्स, डेली रूटीन, सर्च, प्रोफेशन बताने के लिए मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ही लिव्स इन संगम नेर, ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग, ही ब्रश टीथ, ही टेक्स बाथ, और हमने यह पढ़ा है। अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप बनाना है तो मुझे वो सेकंड टाइप बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी। अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप बनाना है तो मैं यहाँ से डू और यहाँ से डज कंसिडर करता हूँ, और फॉर्मेशन ऐसा होता है I do, we do, they do, he does, she does, it does, Ram does, Shyam does, Lata does, Sita does, Mohan does, singular noun does और plural noun do। ध्यान में रखना है नीचे का क्या है एक वचन है और ऊपर का क्या है बहुवचन है, अपवाद कौन सा है एक वचन I और एक वचन you का। So do does क्यों मैंने लिया? अगर कोई भी मुझे नकारात्मक टेंस करना है, अगर किसी सेंटेंस में मुझे अगर नॉट लेना है, नॉट की एडिशन करनी है, तो मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और मैंने यहाँ पे प्ले में से मैंने हेल्पिंग वर्ब कंसिडर किया डू, और प्लेज में से मैंने हेल्पिंग वर्ब कंसिडर किया डज। देन आफ्टर मैं नॉट की एडिशन कर सकता हूँ, आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, राम डज नॉट, श्याम डज नॉट, लता डज नॉट, सीता डज नॉट, सिंगुलर नाउन डज नॉट, डू नॉट का शॉर्टन फॉर्म है डोंट, आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट, ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट, राम डजंट, श्याम डजंट, मोहन डजंट, रोहन डजंट। उसके बाद मैं वर्ब ले सकता हूँ, उसके बाद मैं वर्ब की एडिशन कर सकता हूँ, आई डू नॉट प्ले या आई डोंट प्ले, इट मीन्स मैं नहीं खेलता हूँ, वर्तमान काल में मुझे खेलने की आदत नहीं है। वी डोंट प्ले या वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते हैं। यू डोंट प्ले, तू नहीं खेलती है, तुझे खेलने की आदत नहीं है, यहाँ पे तू खेलती है यू प्ले, और यहाँ पे तुम नहीं खेलते हो, सही में नहीं खेलते हो, आदत नहीं है, हर रोज वो क्रिया नहीं होती है। ही डज नॉट प्ले, He does not plays नहीं, he does not only play, क्योंकि do not और does not के बाद verb का first form आता है। वो नहीं खेलता है, वो लड़की नहीं खेलती है, she does not play और she doesn't play, कुछ भी बोलो चलेगा। राम नहीं खेलता है, राम doesn't play, श्याम नहीं खेलता है, श्याम doesn't play, मैं नहीं खाता हूँ, I do not eat, हम नहीं खाते हैं, we do not eat, तू नहीं खाता है, you do not eat, तुम नहीं खाते हो, you do not eat, वे नहीं खाते हैं, they do not eat, वो लड़का नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट, ही डज नॉट ईट ओनली, वो लड़की नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट, राम नहीं खाता है, श्याम नहीं खाता है, अरे मैं नहीं पीता हूँ, आई डोंट ड्रिंक, मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, आई डोंट टीच हिंदी, लेकिन मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। अंग्रेजी पढ़ाने की क्या है आदत है, हर रोज मैं पढ़ाता हूँ, सही में मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ और मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ये भगवान की देन भी हो सकती है, और मैं पैसा कमाता, प्रोफेशन है मेरा, पैसा कमाता हूँ। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आई डोंट टीच इंग्लिश, इट मीन्स मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, सही में मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मुझे आदत नहीं है, नहीं आता है मुझे। ही डजंट नो, उसे पता नहीं है। ही डजंट स्टडी, वह पढ़ाई नहीं करता है, उसको पढ़ाई करने की आदत नहीं है। बट शी स्टडीज, शी स्टडीज, उसे पढ़ाई करने की क्या है आदत है। अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह सेकंड फॉर्म बनाना है तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए, सर ये डू डज क्या है, आपने कैसे ये डू डज लिया? आप तो मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो, डू डज सर ऐसे क्या कर रहे हो आप? आई डोंट प्ले, ही डजंट प्ले, और यहाँ पे प्लेज क्यों नहीं, यहाँ पे प्ले ही क्यों आया, और ये डू डज आपने कहाँ से पकड़ के लाया? लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी, और वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आपको वो पता नहीं है तो अंग्रेजी सीख के कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। और वो चीज़ें कौन सी है, वो बेसिक थिंग्स कौन से है? अगर आपको अंग्रेजी बोलनी है, ग्रामर में परफेक्ट होना है, तो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, और वो टॉपिक इससे रिलेटेड है। आपका कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं आपको डू डज कैसे आता है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, यह मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अंग्रेजी में वर्ब के कितने टाइप्स है, कितने टाइप्स है, दो।
तीन नहीं, कितने टाइप्स है? दो। एक मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। मेन वर्ब मैंने आपको पहले ही दिन बोला था, मेन वर्ब आई प्ले क्रिकेट, यह एक्शन वर्ब है, प्ले यह एक्शन वर्ब है, यह क्या दिखाता है? क्रिया। टीच यह एक्शन वर्ब है, राइट? देखो ये लड़का लिख रहा है, राइट, एक्शन वर्ब है। लुक देखना एक्शन वर्ब है। वॉक चलना ये क्या है? एक्शन वर्ब है। तो एक टाइप वो है और दूसरा टाइप है हेल्पिंग वर्ब्स। व्हाट डू मीन बाय हेल्पिंग वर्ब्स? क्या आपको पता है हेल्पिंग वर्ब्स मीन्स व्हाट? कोई बता सकता है मुझे हेल्पिंग वर्ब्स मीन्स व्हाट? यस, सहायकारी क्रियापद है, लेकिन उसका मतलब क्या है? सहायक क्रियापद है मीन्स व्हाट? यहां पे देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। यहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? प्लेइंग नहीं, कौन सा है? इज। तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ऐसा क्यों? कैन यू टेल मी? क्योंकि इसकी वजह से मैंने क्या लगाया है? आईएनजी। इसने प्ले को आईएनजी लगाने में सपोर्ट किया, सहायक किया, इसीलिए उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मैं यहां पे अगर प्लेड करता तो गलत होता, ही इज प्लेड क्रिकेट, तो यह सेंटेंस गलत होता। फिर से देखो, इसने क्या किया? प्ले को आईएनजी लगाने में मदद की। अगर मैं बोलता ही हैज प्लेइंग क्रिकेट, इज इट करेक्ट सेंटेंस? ही हैज प्लेइंग क्रिकेट नहीं, क्योंकि हैज के बाद प्लेइंग नहीं आएगा, या तो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल आएगा। अगर मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं ही हैज प्लेड क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट, तो यह सेंटेंस सही है। तो यह क्या है? प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हैज के बाद मैंने वर्ब का कौन सा फॉर्म लिया? थर्ड फॉर्म। लेकिन हैज ने थर्ड फॉर्म बनाने में मदद की, इसने प्ले को आईएनजी लगाने में मदद की, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स कितने हैं और हेल्पिंग वर्ब्स कितने हैं? एक्शन वर्ब कितने हैं? बहुत सारे एक्शन वर्ब्स है, खाना पीना, उठना, जाना, रोना, हंसना, पढ़ाई करना, हंसना, कूदना, फाइट करना, ये अनलिमिटेड है, बहुत सारे है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब्स है वह लिमिटेड है। और वो हेल्पिंग वर्ब्स कौन से? am, is, are, was, were, be, being, been, have, has, had, do, does, did, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, had to, ought to, need, needed, used to, बस इतने ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। इट मीन्स हाँ सर, अभी अभी मुझे पता चला हेल्पिंग वर्ब्स लिमिटेड है। हेल्पिंग वर्ब्स लिमिटेड है, am, is, are, was, were, be, being, been, आपने जो बोर्ड पे लिखे है ना, वो क्या है? लिमिटेड। लेकिन मेन वर्ब्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे वर्ब्स है। लेकिन सर आप हमें यह क्यों पढ़ा रहे हो? हमें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप पढ़ना है। नहीं, अगर आपको कोई भी नकारात्मक काल करना है, निगेटिव सेंटेंस करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, और अगर मैं ऐसा बोलता हूं आई नॉट प्ले क्रिकेट, इज इट करेक्ट सेंटेंस? नहीं, ये गलत होगा। नॉट क्या कहेगा? मुझे हेल्पिंग वर्ब्स दे दो, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं। तो इसीलिए इस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आ एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, इस सेंटेंस में आप नॉट ले सकते हो झट से। वेरी सिंपल, आ एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग। तो यहां पे क्या है? यहां पे एम के बाद नॉट गया है, तो नॉट किधर गया? एम के बाद। तो नॉट का रूल क्या है? नॉट क्या कहेगा? मैं जाऊंगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो जब आप इधर आओगे आई प्ले क्रिकेट, तो इस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, कौन सा है? नहीं, क्रिकेट नहीं है, यहां पे है क्या? आई एम, इधर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैड टू, ऑट टू, नीड, नीडेड, यूज्ड टू, इसमें आपको कहां पे क्रिकेट दिख रहा है? तो क्रिकेट क्या हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? आई। कौन सा है? आई दिख रहा है यहां पे? आई एम, इज, आर, वाज, वर, इधर आई, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो सकता है? नहीं।
तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो इसीलिए हमें डू डस डिड कंसीडर करना पड़ता है और उसका रूल मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें सीखनी ही पड़ेगी। ध्यान दो, ये जो बोर्ड पे मैंने लिखा है ये क्या है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स ऐसे दो कॉलम्स मैंने बनाए हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन से? एम इज आर वॉज वर बी बींग बीन हैव हैज हैड डू डस डिड विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट हैड टू ऑट टू नीड नीडेड यूज्ड टू है। लेकिन उसमें भी मैंने क्या किया है, कैटेगरी की है। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स में भी फिर से दो टाइप बनते हैं, फिर से दो कैटेगरी आती है। और वो कैटेगरी कौन सी है? यहां पे जो मैंने लिखी है am, is, are, was, were, be, being, been, have, has, had, do, does, did, बस ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है। दीज आर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। और जो मैंने यहां पे लिखा है will, would, shall, should, can, could, may, might, must, had to, ought to, need, needed, used to, ये क्या है? What are these? These are models. ये भी helping verb ही है, लेकिन इसे क्या कहते हैं? Models. इसे क्या कहते हैं? Primary helping verbs. So ऐसा क्यों? Helping verb को ऐसी category क्यों दी? कोई मुझे बता सकता है? Am, is, are, was, were, be, being, been, have, has, had, do, does, did, इसे primary helping verbs बोला जाता है, और मॉडल्स विल उड शाल शुड बोला जाता है। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि यह जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है, यह वर्ब्स भी है और हेल्पिंग वर्ब्स भी है, यह बहुरूपी है, ये कभी कभी चेंज होते हैं। इनका क्या कहना है पता है? हमें वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? हमें वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। हमारा बहुत हाल है, जिन्होंने ग्रामर बनाया तब से हमारा हाल चालू है। इनका अच्छा है, इनको सिर्फ मॉडल बोला जाता है, लेकिन हमारा बहुत हाल है। हमारे जैसा हाल किसी का नहीं, जैसे आपका हाल है, हर रोज सुबह उठना, स्कूल में जाना, पढ़ाई करना, आपके जैसे इनका हाल है। क्यों? क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। ऐसा क्यों? ये लड़का मुझे पूछेगा, सर आप कुछ भी बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो आप, आपको कुछ आता नहीं। प्लीज पे अटेंशन। ही इज रिच, ही इज रिच, ही इज गोइंग। यहां पे इज ने गो को आईएनजी लगाने में सहायता किया, मदद की, इसलिए इसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका कुछ रोल नहीं है। ही इज रिच, सिंपली ऐसा बोला, ही इज रिच। इज ने कुछ काम नहीं किया, ही इज रिच, सिंपली ऐसा बोला। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे यह हेल्पिंग वर्ब है। सर कन्फ्यूजन हो रहा है, सर थोड़ा धीरे पढ़ो, मैं आपका कन्फ्यूजन निकालता हूँ। एम इज आर वॉज वर बी बींग बिन, यह टू बीज के फॉर्म से, कौन से फॉर्म से? टू बीज के। फिर से बोलो सर, टू बी क्या है? ये कौन सा भी है? टमाटो का, वांगे का, कौन सा भी है? टमाटो का भी है ना? नहीं नहीं, ये टू बी, ये टू बी है, यह क्या है? टू बी, ये टू बी की फैमिली है। टू बी की फैमिली में कौन से मेंबर है? आपके फैमिली में कौन से मेंबर है? वही मेंबर टू बी के है। एम इज आर वॉज वर बी बींग बिन, लेकिन एम इज आर यह प्रेजेंट टेंस का घर है, वॉज वर यह पास्ट टेंस का घर है, बी का अलग घर है, बिन का अलग घर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एम इज आर ये प्रेजेंट टेंस का घर है, वॉज वर पास्ट टेंस का घर है, समान है, ये भूत का घर है, ये बी का अलग घर है, बिन का अलग घर है, बी को आईएनजी मींस बिंग है, और यह बिन का अलग घर है। घर तो एक ही है लेकिन सबके कंपार्टमेंट अलग अलग है, लेकिन फैमिली तो एक ही है। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो फिर हमें? सुनो, टू के बाद क्या है? बी। टू के बाद क्या है? बी। बी क्या है? वर्ब भी है। बी क्या है? वर्ब भी है। सर नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में? देखो, बी वॉज बीन पढ़ा होगा आपने। बी क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वॉज क्या है? सेकंड फॉर्म है। बीन क्या है? थर्ड फॉर्म है। अगर यह वर्ब है तो इसका भी थर्ड फॉर्म होना ही चाहिए, जैसे ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, सिंग सैंग संग, टेक टू टेकन। हाँ सर समझ में आ रहा है, बी वर्ब भी है।
बी का सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज. और बी का थर्ड फॉर्म क्या है? बीन. वर्तमान काल में एम, इज, आर यूज किया जाता है. आप बोलोगे सर ये एम इज आर क्या है? वर्तमान काल है. इज क्या है? वर्तमान काल है. आर क्या है? वर्तमान काल है. लेकिन ये बड़ा टॉपिक है, मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूं. यह टॉपिक मैं आपको बाद में डीप में पढ़ाने वाला हूं. तो टू बी का घर कौन सा है? एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन. टू हैव का घर कौन सा है? हैव, हैज, हैड. टू हैव का घर कौन सा है? हैव, हैज, हैड. और टू डू का घर कौन सा है? डू, डज, डिड. अगर आपको किसी ने पूछा यो हैव क्या है तो उसे बोलना हैव हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है. हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है. क्योंकि मैंने यहां पे कैटेगरी की है, मैंने आपको पहले ही बताया है. ये हैव क्या बोलेगा? हमारा बहुत हाल है सर, हमें दो तरह यूज किया जाता है. तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर कैसे? वेरी सिंपल. ही हैज अ पेन. इस सेंटेंस में हैज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है. पेन को कुछ सहायक किया? पेन को कुछ मदद की हैज ने? नहीं. लेकिन अगर मैं बोलता हूं ही हैज इटन, इस हैज की वजह से मैंने वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा? थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल. यहां पे यह हैज क्या है? क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है. मैंने आपको पहले ही बोला है यह क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है. और यहां पे हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. ध्यान दो, जब मैं आपको यह बोलूंगा हैज हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, यह क्यों चाहिए हमें? मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप आपको डीप में सिखाना है. इसी प्रकार अगर आप मुझे पूछोगी सर आपने तो बोला हैव हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तो आपके मन में एक डाउट आना चाहिए. और वो डाउट क्या है? जैसे टू बी के हमने थर्ड फॉर्म लिखे है, यहाँ पे वर्ब है, इट मीन्स उसके थर्ड फॉर्म होने ही चाहिए ना. जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, टेक, टोक, ड्रिंक, ड्रैंग, सिट, सैट, सिंग, सैंग, राइट, रोट. आपने तो अभी अभी बोला सर टू के बाद हैव है, इट मीन्स यह वर्ब है. तो इसके भी हमें थ्री फॉर्म्स दिखाओ. वेरी सिंपल, मैं दिखाता हूं आपको. हैव, हैड, हैड, हैव, हैड, हैड, हैव, हैड, हैड, हैव, हैड, हैड, नेवर का हैव, हैड, हैड. हैव क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. हैड क्या है? सेकंड फॉर्म है. हैड क्या है? थर्ड फॉर्म है. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है हैव क्या है. अगर आपको किसी ने पूछा हैव क्या है उसे बोलने का, इधर मैं आपको बताता हूँ कान में बताने का. हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है. तो पूछेगा आपको, अगर मेन वर्ब है तो उसके थ्री फॉर्म्स कौन से? उसे बोलना हैव, हैड, हैड. हैव, हैज, हैड नहीं, हैज यहाँ पे आएगा. मैं आपको बताने वाला हूँ इस रूल में. हैव, हैड, हैड. तो हैड क्या है? पास्ट टेंस है. हैड क्या है? थर्ड फॉर्म है. डू, डज, डिड क्या है? डू, डज, डिड क्या है? सर हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है. वेरी सिंपल, डू, डिड. लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे सर, अगर आप बोलते हो टू डू, लुक हियर, टू डू, टू के बाद क्या है? डू. टू के बाद मेन वर्ब आता है, जैसे टू गो, टू सिट, टू राइट, टू डांस, टू लाफ, टू लव, टू प्ले, टू डू. क्या है? टू डू. डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है. सर अगर मेन वर्ब है तो हमें थ्री टाइप दिखाओ. वेरी सिंपल, डू, डिड, डन. डू, डिड, डन. वेरी सिंपल. ये लड़का भी मुझे बोलेगा सर अगर हैव मेन वर्ब है प्ले की जैसा तो इस स्ट्रक्चर में ऐड करो. वेरी सिंपल, मैंने किया ऐड. I have, we have, you have, they have, he has नहीं, has नहीं होगा, has नहीं होगा. जिन्होंने भाषा बनाई उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, अच्छा नहीं लगता है तो उन्होंने क्या किया? has. क्या किया? has. have को yes, yes suffix means क्या है? has. इसी प्रकार यह लड़की मुझे बोलेगी सर आपने बोला डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है. तो अगर डू मेन वर्ब है, अभी यह डू मेन वर्ब है. आई डू, वी डू, यू डू, यू डू, दे डू, ही
He does nahi. He does. She does. It does. Ram does. Shyam does. Lata does. Sita does. Mohan does. Rohan does. तो डू को यस यस क्या है? डज. अरे सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही रूल है. कौन सा रूल है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का. लेकिन अगर आप मुझे बोलते हो सर डज क्या है, उसे बोलना. ये हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, और क्या इसे? यस यस सफिक्स. वेरी गुड. यस यस क्या है? सफिक्स. काम हो गया सर? अभी मुझे पता चल गया जो मुझे पता ही नहीं था. आपने पहली बार बताया सर यह प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, इसलिए इन्हें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है. लेकिन इन्हें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं कहा जाता है. इनमें ऐसे मॉडिफिकेशंस नहीं होते हैं. इनमें कैटेगरी है. टू बी की यह फैमिली है. मैं आपको बाद में यह डीप में पढ़ाने वाला हूं. लेकिन उससे पहले आपको क्या सोचना है? टू हैव के फॉर्म्स कौन से हैं और टू डू के फॉर्म कौन से हैं? लेकिन सर हम तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये टाइप पढ़ रहे, तो इससे हमें क्या फायदा होगा? ध्यान दो, जब आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स पता ही होने चाहिए. और आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग याद रखनी है, और वो थिंग कौन सी है? अगर मुझे नॉट लेना है, कोई भी सेंटेंस नकारात्मक करना है, तो मुझे हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेनी ही पड़ती है. तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूं, और वह इंपॉर्टेंट रूल क्या है? जब मुझे अंग्रेजी में किसी सेंटेंस में अगर मुझे नॉट नहीं दिखता है तो मुझे वह कंसिडर करना पड़ता है, और डू डज डिड कंसिडर करना पड़ता है. और यह डू डज डिड का रूल क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का मुझे नकारात्मक टेंस करना है, सेकेंड टाइप करना है. अगर मुझे इस सेंटेंस में ही विल गो, इसमें अगर नॉट लेना है, सिंपल है, मैं क्या बोलूंगा? ही विल नॉट गो और ही वोंट गो. सिंपल है, वेरी सिंपल. लेकिन अगर यह लड़का बोलता है सर आई प्ले में मुझे नॉट लेना है, तो मैं नॉट कैसे लूंगा? कोई मुझे बता सकता है? तो इसके लिए मैंने एक रूल बनाया है, और वो रूल क्या है? देखो, अगर आपको किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है, तो आपको डू डज डिड यह तीन हेल्पिंग वर्ब्स कंसीडर करने पड़ते हैं, मन में रखने पड़ते हैं. व्हाट एम आई सेइंग? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोला मैं? अगर आपको किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है, तो आपको क्या कंसीडर करना पड़ता है? डू डज डिड. क्योंकि हम इन्हें चतुर हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं. यह परेशान करने वाले हेल्पिंग वर्ब्स है, डू डज डिड. तो इनका रूल क्या है? मैं आपको बताता हूं. अगर किसी सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, आई प्ले, इस सेंटेंस में मुझे हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इस सेंटेंस में दिख रहा है, दिख रहा है. कौन सा है? विल. कौन सा है? विल. यू कैन प्ले, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? कैन. दे आर डांसिंग, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? आर. यू प्ले, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? यू. कौन सा है? यू है ही नहीं. तो कैसे ढूंढोगे आप? वेरी सिंपल रूल है. अगर आपको किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है, आपको एक बात याद रखनी है. डू डज डिड के पास जाना है, और डू डज डिड को क्या करना है? कंसिडर करना है. तो आप कंसिडर कैसे करोगे? अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो आप डू कंसिडर करो. अगर वर्ब को यस यस सफिक्स हो, तो आप कौन सा फॉर्म कंसिडर करो? डज. और अगर वर्ब का पास्ट टेंस हो, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब कंसिडर करना है? डिड. यह रूल है. और यह रूल क्या बताता है? देखो, वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको क्या कंसिडर करना है? डू. वर्ब को यस यस सफिक्स है, तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा? डज. और वर्ब का पास्ट टेंस है, तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा? डिड. यह मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूं. फॉर एग्जाम्पल, ही सिंग्स. आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और मैंने आपको एक रूल बताया है. अंग्रेजी में ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है. ऐसा मुझे सेंटेंस दिखाओ, मेरे पास से 1,00,000 रुपए लेके जाओ. तो ये लड़का आएगा मेरे पास, सर बोलेगा सर ही सिंग्स, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, दो मुझे 1,00,000 रुपए. तो मैं क्या बोलूंगा उसको? देखो मेरी कंडीशन ऐसी, अगर नहीं है तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा. और मैंने आपको रूल क्या बताया है? वर्ब के पास जाना है और उसे पूछना है, तू कौन है? तू कौन है? तो उसको क्या बोलना? मुझे क्या लगा है? यस यस. अगर यस यस है,
अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा? डू। अगर सिंग से तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा? डज। और अगर वर्ब का पास्ट टेंस है तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा? डीड। क्या कंसिडर करना पड़ेगा? डीड। तो इसके पास जाना और उसको पूछना, ए तू कौन है? वो क्या बोलेगा? मुझे लगाए। क्या लगाए? यस यस। तो सर ने तो बोला है क्या कंसिडर करना? डज। यहाँ पे क्या कंसिडर करना? डू। अगर यहाँ पे ऐसा होता, लता वेंट, और आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है क्योंकि आपको नॉट लेना है, तो आप क्या करोगे? वेंट के पास जाओगे, लता के पास नहीं जाओगे। अगर आप लता के पास जाओगे तो लता आपको जोर से चाटा मारेगी। वो क्या बोलेगी? मैं प्रॉपर नाउन हूँ, आप वेंट के पास जाओ और आपके सर ने क्या बोला है ना, वो कंसिडर करो। तो आप वेंट के पास आओगे और वेंट को बोलोगे, ए मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो बोलेगा, देख मैं वर्ब का कौन सा फॉर्म हूँ? सेकंड। और जब सेकंड फॉर्म होता है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहता है? डिड। वेरी सिंपल, काम होगा। तो अगर मुझे इसमें नॉट की एडिशन करनी है तो मैं क्या करूंगा? लता क्या लूंगा मैं? डिड। उसके बाद नॉट, और उसके बाद मैं गो लूंगा। क्यों? इनका रूल है डू डज डिड। डू नॉट डज नॉट डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। मैं आपको बाद में वो पढ़ाने वाला हूं। इसी प्रकार अगर मुझे इस सेंटेंस का नकारात्मक टेंस करना है तो मैं नकारात्मक टेंस कैसे करूंगा? वेरी सिंपल। आई प्ले में मुझे नॉट लेना है तो मैं नॉट कैसे लूंगा? वेरी सिंपल। प्ले के पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा, आप कौन हो? आप कौन हो? वो प्ले क्या बोलेगा? वो प्ले क्या बोलेगा? वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। क्या कंसिडर करना है? डू। प्लेस के पास जाओगे, क्या कंसिडर करना पड़ेगा? Does. क्या कंसिडर करना पड़ेगा? Does. Look here. नहीं भी समझ में आता है, यह प्ले एक बहुत बड़ा फुगा है, बलून है, इसे पिन मारो, कौन सा आवाज निकलेगा? डुम। कौन सा आवाज निकलेगा? डुम। और प्लेस को पिन मारो, कौन सा आवाज निकलेगा? डुस। कौन सा आवाज निकलेगा? डुस नहीं, डज। कौन सा आवाज निकलेगा? डज। तो आई डू, वी डू, यू डू, यू डू, दे डू, ही डज, शी डज, इट डज, राम डज, श्याम डज, लता डज, सीता डज। ये क्यों कर रहा हूं मैं? ये मैं क्यों कर रहा हूं? यस, आई डू, वी डू, यू डू, प्ले के पास गया, पिन मारी, कंसिडर किया, तो मैं ये क्यों कर रहा हूं? यस, स्टैंड अप। नॉट लेना, नॉट लेना है, तो इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। नॉट लेना है तो नॉट लेने में इतना शर्म ना नहीं आपको। वो शर्म से बोल रहे हैं, नॉट लेना है। नॉट के लिए तो इतना सारा कर रहे हैं ना। नॉट के लिए उस प्ले के पास गए, उसे पूछा तू कौन है, प्लेस के पास गए, कौन है, प्लेस ने क्या बोला? मुझे यस यस लगा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, ही डज, शी डज, इट डज, राम डज, श्याम डज। It means, जो सिंगुलर नाउन है उनको आप क्या लगाओगे? डज। और जो प्लूरल नाउन है उनको क्या लगाओगे? डू। माई वाइफ डज एंड माई वाइव्स डू। हमारा रूल है, ऊपर का आने क्वेश्चन है, बहुवचन है, नीचे का एक क्वेश्चन है। अ डॉग डज एंड डॉग्स डू, अ बॉय डज एंड बॉयज डू। इतना सारा क्यों कर रहे? नॉट लेना है। क्या करना है? नॉट, जो मैंने पहले आपको बताया था। यह रूल अभी बाकी है, मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूं, बहुत बड़ा रूल है यह। मैं सब आपको हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल सब बताने वाला हूं, लेकिन सिर्फ टाइप सेकंड के लिए मैंने आपको यह दिया। अगर नहीं भी समझ में आता है तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर लेने वाला हूं। लेकिन सिर्फ आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, राम डज नॉट, श्याम डज नॉट। और मैंने आपको पहले बताया था इसका शॉर्टन फॉर्म क्या है? डोंट। इसका शॉर्टन फॉर्म क्या है? डजंट। हो गया फॉर्मेशन? आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, यू डोंट, दे डोंट, ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट, राम डजंट, श्याम डजंट। वेरी सिंपल। अगर मैं बोलता हूं आई तो आपको बोलना है डोंट। आर यू रेडी? Yes. I, don't. We, don't. You, don't. You, don't. They, don't. He, them. She, them. It, them.
राम श्याम लता सीता ही यू डजंट नहीं डोंट दे आई माय वाइफ माय वाइफ एक ही है डजंट एंड माय वाइव्स माय डॉटर डजंट एक ही है एंड माय डॉटर्स डोंट माय हस्बैंड एंड माय हस्बैंड्स डोंट माय डॉग My dog and my dogs, your wife and your wives, my friend, our friend एक ही है, our father, हम दोनों भाई बहन है, our father doesn't, our father doesn't, our fathers नहीं होगा, लेकिन our father एक ही है, our wife नहीं होगा, लेकिन your wife होगा, your wives होगा. His wife होगा, his wives भी होगा. His wife doesn't and his wives don't. I don't, we don't, you don't. Nagre doesn't. Sumit doesn't. Amitabh doesn't. Aishwarya doesn't. Amitabh and Aishwarya don't. Abhishek doesn't. Aishwarya doesn't. Abhishek and Aishwarya don't. Means एक वचन के लिए doesn't, अनेक वचन के लिए don't. Very simple. Then after यहां पे मैं verb का first form लेने वाला हूं. और verb का first form क्यों? Rule है do not और does not के बाद verb का first form आएगा. First form. हमारे पेन ड्राइव वर्जन में जो शेड्यूल है वही संपूर्ण शेड्यूल हमारे ऐप में उपलब्ध है. I don't play. It means मैं नहीं खेलता हूँ, मुझे खेलने की आदत नहीं है. वर्तमान काल में मैं नहीं खेलता हूँ, सही में मैं नहीं खेलता हूँ, ए लड़की मैं नहीं खेलता हूँ. We don't play. हम नहीं खेलते हैं. You don't play. तू नहीं खेलता है. You don't play. तुम नहीं खेलते हो. They don't play. वे नहीं खेलते हैं. He doesn't play. वो लड़का नहीं खेलता है. तो यह negative formation of simple present tense type 2 है. लेकिन यह tense हम कहाँ पे use कर सकते हैं? देखो, I don't play. It means मैं नहीं खेलता हूँ. We don't play. हम नहीं खेलते हैं. You don't play. तू नहीं खेलता है. You don't play. तुम नहीं खेलते हो. They don't play. वे नहीं खेलते हैं. He doesn't play. या he does not play. वो लड़का नहीं खेलता है. She does not play. और she doesn't play. वो लड़की नहीं खेलती है. It doesn't play. It doesn't play. यह कुत्ता नहीं खेलता है. It means यह कुत्ते को खेलने की आदत नहीं है. यह कुत्ता बुरा है, अच्छा नहीं है. It doesn't play. It doesn't bark. ये भोकता नहीं है, इसे भोकने की आदत नहीं है. It doesn't drink. ये पीता नहीं है, देखो कितना पतला हो गया है. ये भोकता भी नहीं है. It doesn't bark. And it doesn't bite. ये काटता भी नहीं है. यह काटता भी नहीं है. सिर्फ सोता रहता है. It sleeps. It sleeps. It doesn't eat chapatis. ये चपाती नहीं खाता है. नहीं खाते. उसे चपाती खाने की आदत नहीं है. It doesn't eat chapatis. It drinks milk. यह सिर्फ दूध पीता है. इस कुत्ते को आदत नहीं है. इट डजंट बार्क. यह भोकता नहीं. इट मीन्स उसे भोकने की आदत नहीं है. हमने कुत्ता वो भोकता ही नहीं था तो हम बोलते थे इट डजंट बार्क. कोई हमारे पास आता था, हम बोलते थे नो 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 नो, इट डजंट बाइट. घबराओ मत आप. इट डजंट बाइट. इट मीन्स उस कुत्ते को काटने की आदत नहीं है, भोकने की आदत नहीं है तुम्हारे जैसी. वेरी सिंपल. इट डजंट ब्रश. यह ब्रश नहीं करता है. इट डजंट टेक बाथ. यह नहाता भी नहीं है. It doesn't take bath. इसे नहाने की आदत नहीं है. Negative habit बताने के लिए. I do not get up early in the morning. मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ. Negative habit में बता सकता हूँ. I do not get up. कल आपने बोला था सर every day I get up. लेकिन अभी आपको झूठ झूठ बोलना है. सर I don't get up. मैं नहीं उठता हूँ. उठने की आदत नहीं है. I don't brush. मैं brush नहीं करता हूँ. I don't take bath. दो दो तीन तीन दिन तक मैं नहाता नहीं हूँ. I don't study. मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ. I don't help my mother. मेरी मामा को मैं मदद नहीं करता हूँ. I don't watch TV. हाँ अच्छी चीज़ है, अच्छी आदत है. I don't watch TV. I don't drink. मैं पीता नहीं हूँ. I don't drink tea. मैं चाय नहीं पीता हूँ. अच्छी आदत है. इसी प्रकार मैं हमारी आदतें बता सकता हूँ, लेकिन वो निगेटिव बता सकता हूँ. जैसे वी आर इंडियंस. हम भारतीय है और हम भारतीय झूठ झूठ बोलना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? We do not, या we don't. We don't live in Pakistan. लेकिन झूठ झूठ बोलना है, झूठ झूठ बोलना है. We don't get up, we don't work, we don't study, we don't play, we don't help to each other. झूठ झूठ बोल सकते हो. We don't study, we don't read.
ऐसा मैं बोल सकता हूं, लेकिन अगर मुझे बोलना है यू यू स्टैंड अप, यू डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू डोंट ब्रश टीथ, यू डोंट टेक बाथ, यू डोंट ड्रिंक मिल्क, यू डोंट हेल्प योर मदर, यू डोंट स्लीप एट नाइट, यू डोंट प्ले क्रिकेट, यू डोंट वॉच टीवी, इसकी मैंने निगेटिव हैबिट बताई। इसी प्रकार मैं आप सबकी निगेटिव हैबिट बता सकता हूं। यू डोंट प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। यू डोंट स्पीक लाउडली, मेरे जैसा आप जोर से नहीं बोलते हो। यू डोंट स्टडी, यू डोंट प्रैक्टिस, यू डोंट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मैं आपको झूठ झूठ बोल सकता हूं, लेकिन अगर मुझे इन सब लड़कों की निगेटिव हैबिट बतानी है, देखो वो लड़के बदमाश लड़के पागल लड़के, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। दे डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे डोंट ब्रश टीथ, वो दांत भी घिसते नहीं है, दे डोंट टेक बाथ, नहाते भी नहीं दो दो चार चार दिन, दे डोंट स्टडी, वो पढ़ाई भी नहीं करते है, दे ऑलवेज वंडर हेयर एंड देयर, एंड दे डोंट स्पीक इंग्लिश, दे डोंट रीड न्यूज पेपर्स, दे डोंट रीड बुक्स। देखो तो मैंने उनके बारे में निगेटिव हैबिट बताई, लेकिन अगर एक ही लड़का है उसके बारे में मुझे बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ, झूठ झूठ बोल सकता हूँ। ही डजंट गेट अप, ही डजंट टेक बाथ, ही डजंट ड्रिंक, ही डजंट। मेरे दादाजी उनके बारे में मैं अच्छा बोल सकता हूँ, माई ग्रैंड फादर डजंट ड्रिंक, ही डजंट स्मोक, ही डजंट क्वारल विथ माई ग्रैंड मदर। अच्छी बात है, कल तो मैंने बताया था माई ग्रैंड फादर क्वारल्स विथ माई ग्रैंड मदर, वो उनको आदत थी, अभी इसमें आदत नहीं है, वेरी सिंपल। तो आप क्या करोगे अगर आपको इस टाइप की प्रैक्टिस करनी है, तो आप क्या करोगे, वेरी सिंपल, जैसे कल आपने बोला था आई लिव इन संगम नियर, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश टीथ, आई टेक बाथ, अभी झुट झुट बोलना है आपको प्रैक्टिस के लिए। आपको हर एक सब्जेक्ट लेना है, आई वी यू दे, और एक पांच पांच दस दस सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, और जब आप ऐसे सेंटेंसेस बोलोगे, मैंने आपके पास कॉलम मेथड्स भी दिए हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप 20 सेंटेंसेस बना सकते हो। और वो सेंटेंसेस कैसे बना सकते हो, प्लीज लुक हियर, यहां पे मैं खेलता हूं, यहां पे मैं नहीं खेलता हूं। आई प्ले का मैंने निगेटिव फॉर्म किया, आई डोंट प्ले। वी प्ले का हमने निगेटिव फॉर्म किया, वी डोंट प्ले। यहां पे हमें खेलने की आदत है, यहां पे हमें खेलने की आदत नहीं है। अगर मैं बोलता हूं आई प्ले, आपको निगेटिव फॉर्म बनाना है झट से, आई प्ले, आई डोंट नॉट प्ले। वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, ही प्लेज, ही डोंट प्लेज नहीं, ही डजंट प्ले, ही डजंट प्ले ओनली, क्योंकि डू नॉट और डज नॉट के बाद प्ले का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्यों, क्योंकि डू को यस यस सफिक्स मीन्स क्या है, डज है, डबल डबल यस यस सफिक्स आपको नहीं लगाना है। मैंने आपको पहले यहां पे दिखाया था, डज मीन्स यस यस सफिक्स, इट प्लेज, इट डज नॉट प्ले ओनली, लता प्लेज, लता डज नॉट प्ले ओनली, आई ब्रश, आई डोंट ब्रश, शी ब्रशेस, शी डज नॉट ब्रश, ब्रशेस नहीं, शी डज नॉट ब्रश, ही गोज, ही डज नॉट गो ओनली, ही डज नॉट गो, झट से बोलो, आई स्पीक, आपको निगेटिव बोलना है, आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, राम स्पीक्स, श्याम स्पीक्स, गीता रन्स, गीता डज नॉट रन ओनली, गीता डज नॉट रन। तो मैंने बोर्ड पे कितने सारे सेंटेंसेस बनाए, मैं कैसी प्रैक्टिस कर सकता हूं, देखो, आई प्ले, मैं खेलता हूं, वी प्ले, हम खेलते हैं, यू प्ले, तू खेलता है, यू प्ले, तुम खेलते हो, दे प्ले, वे खेलते, ही प्लेज, वो लड़का खेलता है, शी प्लेज, वो लड़की खेलती है, इट प्लेज, वो कुत्ता खेलता है, राम प्लेज, राम खेलता है, श्याम प्लेज, श्याम खेलता है, आई डोंट प्ले या आई डू नॉट प्ले, कुछ भी बोलो चलेगा, आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, वी डोंट प्ले, हम नहीं खेलते हैं, यू डोंट प्ले, तू नहीं खेलता है, यू डोंट प्ले, तुम नहीं खेलते हो, दे डोंट प्ले, वे नहीं खेलते हैं, ही डजंट प्ले, वो लड़का नहीं खेलता है, शी डजंट प्ले, वो लड़की नहीं खेलती है, इट डजंट प्ले, वो कुत्ता नहीं खेलता है, राम डजंट प्ले, राम नहीं खेलता है, श्याम डजंट प्ले, श्याम नहीं खेलता है। आपको अभी मुझे निगेटिव हैबिट बतानी है, आपको सोचना है, मैं आपको पूछने वाला हूं, आपकी या आपके फ्रेंड की आपको कोई निगेटिव हैबिट आपको बतानी है, क्या आप मुझे बता सकते हो, यस प्लीज स्टैंड अप, आपके पापा की एक निगेटिव हैबिट बताओ जो अच्छी हो बुरी हो, बताओ, ही डज नॉट प्ले, वेरी गुड, ही डज नॉट प्ले, आपके पिताजी खेलते नहीं है। आपके दादा की मुझे अच्छी आदत बताओ, स्टैंड अप, ही डज नॉट स्मोक, वेरी गुड, आपके पापा की बुरी आदत बताओ, ही डज नॉट प्ले विथ मी, यस वेरी गुड, सहेली है आपके सहेली की कोई
बुरी आदतें बताओ. निगेटिव हैबिट बताओ. डज नॉट की भाषा में. डज नॉट से बताना है. वेरी सिंपल. शी डज नॉट हेल्प मी. शी डज नॉट हेल्प मी. शी डज नॉट टीच मी. शी डज नॉट गाइड मी. शी डज नॉट गिव मी हर मोबाइल. शी डज नॉट कॉल मी. सिट डाउन. खुद की निगेटिव हैबिट. खुद की क्या है, क्या हो सकती है खुद की? यस प्लीज. आई डोंट प्ले. और आपकी सबकी बुरी आदत क्या है? सर वी डोंट टेक बाथ, वी डोंट ड्रिंक, वी डोंट स्टडी, वी डोंट ब्रश टीथ. ये आपकी बुरी आदतें है ना? क्या अच्छा देती है? अच्छी है, बुरी है? हाँ. ए बट आई डोंट स्पीक. मैं नहीं बोलता हूँ. आई डोंट स्पीक मराठी इन द क्लास. इट मीन्स ये अच्छी भी आदत हो सकती है, बुरी भी आदत हो सकती है, लेकिन मुझे बोलने की आदत नहीं है. सर तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आपने तो बोला है सर ये सिंपल लगता है, लेकिन जब आप बोलने जाओगे तब आपको नहीं आएगा. मैं बोलता हूँ इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी. तो आप क्या करोगे, इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? आपको क्या करना है, दूसरे दिन यहाँ पे वर्ब चेंज करना है. आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ. वी ड्रिंक, हम पीते हैं. यू ड्रिंक, तू पीता है. यू ड्रिंक, तुम पीते हो. दे ड्रिंक, वे पीते हैं. ही ड्रिंक्स, वो लड़का पीता है. शी ड्रिंक्स, वो लड़की पीती है. इट ड्रिंक्स, वो कुत्ता पीता है. राम ड्रिंक्स, राम पीता है. श्याम ड्रिंक्स, श्याम पीता है. आई डोंट ड्रिंक या आई डो नॉट ड्रिंक, मैं नहीं पीता हूँ. ध्यान में रखना है मुझे पीने की आदत नहीं है. एक बार अंग्रेजी में, एक बार हिंदी में बोलना है. वी डू नॉट ड्रिंक, हम नहीं पीते हैं. यू डू नॉट ड्रिंक, तू नहीं पीता है. यू डू नॉट ड्रिंक, तुम नहीं पीते हो. दे डू नॉट ड्रिंक, वे नहीं पीते हैं. ही डज नॉट ड्रिंक, वो लड़का नहीं पीता है. शी डज नॉट ड्रिंक, वो लड़की नहीं पीती है. इट डज नॉट ड्रिंक, वो कुत्ता नहीं पीता है. राम डज नॉट ड्रिंक, राम नहीं पीता है. शाम डज नॉट ड्रिंक, शाम नहीं पीता है. शाम को पीने की आदत नहीं है. एक बार अंग्रेजी में, एक बार हिंदी में बोलने के बाद आप सिर्फ अंग्रेजी में बोल सकते हो. आई ड्रिंक, वी ड्रिंक, यू ड्रिंक, यू ड्रिंक, दे ड्रिंक, ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, इट ड्रिंक्स, राम ड्रिंक, शाम ड्रिंक, आई डोंट ड्रिंक, वी डोंट ड्रिंक, यू डोंट ड्रिंक, दे डोंट ड्रिंक, ही डजंट ड्रिंक, शी डजंट ड्रिंक, इट डजंट ड्रिंक, राम डजंट ड्रिंक, शाम डजंट ड्रिंक. तो आपको क्या करना है, सिर्फ 10 वर्ब्स लेना है. 10 वर्ब की सहायता से इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और भी स्ट्रक्चर्स देने वाला हूँ, लेकिन यह दूसरा दिन है और वी आर लर्निंग स्टेप बाय स्टेप. अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. तो आपको दूसरे दिन क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, बोलने हैं, थोड़ी लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है. उसके बारे में मैं आपको कल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ. लेकिन आपको अभी एक्सरसाइज दिया जाता है. आप इस स्ट्रक्चर में आपको 10 वर्ब लेने हैं. अगर आपको ज़्यादा लेने हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन जो रेगुलर वर्ब्स है जैसे राइट, गो, सीट, हम सेंटेंसेस आगे कैसे बढ़ाने वाले हैं यह भी हम बाद में देखने वाले हैं. लेकिन यह बेसिक थिंग्स है और आपको यह पता ही होना चाहिए. देन आफ्टर मैंने आपको यू कैन स्पीक के बुक में और सही ग्रामर के बुक में डू डज डिड का रूल मैंने एक्सप्लेन करके दिया है. और आगे जाके हमें यह रूल भी पढ़ना है क्योंकि यह रूल इंपॉर्टेंट है. अगर आपका कन्फ्यूजन होता है सर डू डज डिड का सब्सट्रैक्शन क्या है, डू डज कैसे ऐड किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. लेकिन उससे पहले आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है. नोटबुक में आपको ये सेंटेंसेस लिखने हैं. फॉर एग्जांपल सिर्फ एक वर्ब के आपको सेंटेंस लिखने हैं. जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ. आगे लिखना है हिंदी में. वी प्ले, हम खेलते हैं. यू प्ले, तू खेलता है. यू प्ले, तुम खेलते हो. सिर्फ एक वर्ब के सेंटेंस आपको लिखने हैं, लेकिन 10 वर्ब के साथ आपको जोर जोर से प्रैक्टिस करनी, चिल्लाना है. आपके घर वालों ने बोलना चाहिए हमारे लड़के के अंदर अंग्रेजी का भूत गया है, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है. मुझे फोन आना चाहिए, कल आपके पापा का फोन आना चाहिए. घर पे जोर जोर से चिल्लाना, मन में प्रैक्टिस नहीं करनी है. आप बोलोगे हाँ सर मुझे आता है, ये मुझे आता है. और जब बात करने जाओगे ना तो आप बोलोगे हाँ माय फादर डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही डू नॉट टेक बाथ. तो आप डू नॉट बोलोगे. तो इसलिए जोर जोर से चिल्लाना है, जोर जोर से. और सिर्फ 10 वर्ब्स लेना है, प्रैक्टिस करनी है. एक वर्ब की सहायता से आपको राइटिंग करनी है. जैसे आई प्ले, आगे हिंदी में लिखना है. एक फाइल बनानी है. उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने आपको कॉलम्स दिए हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक. उस कॉलम में आपको एक प्रैक्टिस और भी करनी है. जैसे आपने कल एक कॉम्पोजिशन बनाया था, आई लिव इन संगम नियर, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टेक बाथ, आई ड्रिंक मिल्क, तो वही कॉम्पोजिशन आपको नकारात्मक बनाना है. झूठ झूठ मन में रखना है, लिखना है मेरा झूठ झूठ का नकारात्मक कॉम्पोजिशन, सिंपल प्रेजेंट टेंस टाइप 2. तो उसमें आप क्या करोगे, आप बोलोगे आई डो नॉट लिव इन संगम नियर, आई डो नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डो नॉट ब्रश टीथ, आई डो नॉट टेक बाथ, आई डो नॉट ड्रिंक, आई डो नॉट गो, आई डो नॉट रिटर्न, आई डो नॉट स्टडी, आई डो नॉट प्ले, आई डो नॉट वॉच टीवी. आप लिख सकते हो. देन आफ्टर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है. वी डू नॉट बोलो या डोंट बोलो. कंसिडर करना है हम सब लड़के या हम सब भारतीय. कंसिडर करना है, झूठ झूठ बोलना है.
वी डोंट लिव इन पाकिस्तान, वी डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी डोंट टेक बाथ, वी डोंट ड्रिंक, वी डोंट स्टडी, वी डोंट हेल्प इच अदर, ऐसे 10-15 सेंटेंसेस बनाने और उससे रट्टा मारना है, बार बार वही 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 बोलना है। सामने कोई व्यक्ति है, घर पे जाना है और पापा को बोलना है, पापा स्टैंड अप, यू डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू डोंट टेक बाथ, यू डोंट ड्रिंक मिल्क, यू डोंट स्मोक, यू डोंट गिव मी मनी, यू डोंट ड्राइव कार, यू डोंट टेक माई स्टडी, यू डोंट फाइट विथ माई मदर, यू डोंट सिट डाउन। आपको भी घर पे जाना है और मामा को बोलना है, मामा स्टैंड अप, यू डोंट हेल्प मी, यू डोंट टीच मी, यू डोंट टेल मी स्टोरीज, यू डोंट गिव मी मनी, यू डोंट गिव मी मोबाइल। मम्मी को बोलना है, लेकिन मम्मी को बोलना है हमारे सर ने ऐसा बोला है, जुट जुट एक्टिविटी है, आप तो मुझे बहुत मदद करती हो, ओके। देन आफ्टर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, दे मीन्स क्या, वे। ये लड़कियाँ कंसिडर करेगी, हमारे क्लास के जो लड़के ना, दे पागल लड़के, बदमाश लड़के, कुछ आता नहीं उनको, दे डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे डोंट ब्रश टीथ, दे डोंट टेक बाथ, दे डोंट गाइड अस, दे डोंट स्टडी। लेकिन वहाँ पे लिखना है सिर्फ 10-10 सेंटेंसेस करने, कितने सेंटेंसेस, सिर्फ 10-10। लेकिन कंसिडर क्या करना है, लड़कों के बारे में बोलना है। आप क्या कंसिडर करोगे, लड़कियों के बारे में बोलना है। हमारे क्लास की लड़की है ना, दे डोंट गेट अप, सुबह उठती नहीं है, दांत भी घिसती नहीं है, नहाती भी नहीं है 10-10 दिन। लेकिन कंसिडर करना है, लेकिन झूठ झूठ। इसी प्रकार ही डोंट या ही डजंट। एक पिक्चर लगाना है आपको घर पे, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। आपको क्या करना है, जैसे ही आप एक कुत्ता है, वहाँ पे एक लड़के का पिक्चर चाहिए, लड़की का चाहिए, मम्मा का, नहीं तो पापा का, नहीं तो कोई भी मेल फीमेल, ऐसे पिक्चर्स ले लो। और जब आपको प्रैक्टिस करनी है, वहाँ पे जैसे मेरे फ्रेंड का पिक्चर है, कोई हीरो का पिक्चर है, मैं बोलूँगा ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही डज नॉट टेक बाथ, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, ही डज नॉट रीड, ही डज नॉट, ऐसी प्रैक्टिस मैं करूँगा। अगर कोई लड़की है, वहाँ पे मैं हाथ करूँगा। कुत्ता लेके जाने का है आपको घर पे, उसका पिक्चर लेके जाने का, नहीं तो ऐसे कुत्ता है घर पे रखो, जब मुझे प्रैक्टिस करनी है ना, तो मैं बोलूँ does not get up, it does not brush, it does not take bath, it does not study, it does not run, it does not bite, मैं बोल सकता हूँ, ये प्रैक्टिस के लिए। तो यह प्रैक्टिस आपको जोर जोर से करनी है। जोर जोर से क्यों करनी है, इसका रीजन क्या है? जब तक आप बोलने की कोशिश नहीं करते हो, तब तक आप इंप्रूव नहीं हो सकते हो। और सोचना है ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 15 या 20 मिनट लगेंगे। और जब आप यह प्रैक्टिस करोगे, डू डज डिड का रूल पढ़ोगे, ये ग्रामर का पार्ट है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का थर्ड टाइप पढ़ना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप थर्ड टाइप कैसे पढ़ोगे, और वो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का थर्ड टाइप है, यह सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। तो उससे पहले आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस। तो कल का एक्सरसाइज पता चला आपको, क्या करना है, पहले आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, देन आफ्टर आपको क्या करना है, कॉलम मेथड के साथ जाना है। यू कैन स्पीक सेट फर्स्ट का बुक आपके पास रखना है, कॉलम मेथड्स, स्ट्रक्चर मेथड्स, राइटिंग एक्टिविटीज करने हैं और प्रैक्टिस करके ही आना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझेगा नहीं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपने यह तीसरे दिन का शेड्यूल देखा, और तीसरे दिन के शेड्यूल में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप पढ़ा। कोई भी टेंस हाँ ना या सवाल से फॉर्म होता है, और यह नकारात्मक टेंस बनाते समय आपको हमने हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, डू डज डिड का रूल क्या है, इन्फिनिटिव्स क्या है, इनके बारे में हमने आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दी। लेकिन यह टॉपिक बड़ा है, बाद में हम आपको वो पढ़ाने वाले हैं। लेकिन ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाने वाले हैं। और जब आप हमारा शेड्यूल देखते हो, तो आप स्पोकन इंग्लिश के साथ ग्रामर के भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, आपको यह बात ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार हाउ टू एक्सटेंड द सेंटेंसेस, कंजक्शंस, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, स्ट्रक्चरल पैटर्न की प्रैक्टिस, यह तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको गेस नहीं करना है, अनुमान नहीं लगाना है। नेक्स्ट शेड्यूल में हम आपको एक स्ट्रक्चरल पैटर्न की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, स्ट्रक्चरल पैटर्न्स क्या होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। वर्बल क्वेश्चंस क्या है, उनको कैसे फ्रेम किया जाता है, उनके आंसर्स कैसे दिए जाते हैं, और घर बैठ के प्रैक्टिसेस के टेक्निक्स कौन से हैं, यह हम नेक्स्ट डे के शेड्यूल में देखने वाले हैं। तो आपको 5 दिन तक बने रहना है, किसी भी प्रकार का गेस नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। और अगर आपको हमारा 5 दिन तक का शेड्यूल पसंद आता है, तो आप 60 डेज का शेड्यूल अलॉन्ग विथ 4 बुक्स परचेस कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार बार जानकारी दे रहा
रहा हूँ कि आपके लिए हमने ऐप बनाया है और उस ऐप में हमने स्टोर के ऑप्शन में 60 डेज का शेड्यूल आपके लिए प्रोवाइड किया है, लेकिन हमारा ऐप थोड़ा सा अलग है। अगर आप हमारा ऐप इंस्टॉल करते हो, स्टोर के ऑप्शन में जाते हो, तो 60 डेज का शेड्यूल आपको वहाँ पे मिलेगा, लेकिन वो कंटेंट लॉक्ड है, वो वीडियोस लॉक्ड है। लेकिन जैसे आप पेमेंट करते हो तो आपको वो सब शेड्यूल मिल सकता है, उसे बार बार आप देख सकते हो और एक साल तक देख सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो बुक्स है हम आपको फिजिकली प्रोवाइड करने वाले हैं, पीडीएफ फॉर्म्स में हम आपको बुक्स नहीं प्रोवाइड करने वाले हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन पेन ड्राइव वर्जन की कीमत और ऐप वर्जन की कीमत अलग है, इसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो के बाद तथा इस वीडियो के नीचे लिंक पे भी दी हुई है। तो इसी प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, हमारा हर कोई वीडियो डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज ही देखना है और 5 दिन तक बने रहना है। वेलकम टू यू कैन स्पीक किट। यह किट हिंदी इंग्लिश तथा मराठी इंग्लिश वर्जन में उपलब्ध है। इस किट की पूरी इंफॉर्मेशन एंड प्राइस आगे देखिए तथा इस किट की कीमत इस वीडियो के नीचे लिंक पे भी दी हुई है। कृपया यह वीडियो अंत तक देखें। हमारे वीडियो लेक्चर्स के पेन ड्राइव के साथ इस किट में आपको अंग्रेजी की 4 महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी। इस किट में पहली किताब है यू कैन स्पीक बुक सेट 1। यह स्पोकन अंग्रेजी की सर्वोत्तम किताब है। इस किताब में स्पोकन इंग्लिश के बहुत सारे टेक्निक्स, फॉर्मूलाज, पिक्चर्स रीडिंग, डायलॉग्स, कॉन्वर्सेशन टेबल्स, कॉलम मेथड्स, चार्ट्स, जोक्स तथा पूरे टेंसेस, मॉडल्स इत्यादि और भी महत्वपूर्ण सिलेबस आसान भाषा में कवर किया हुआ है। इस किताब की रचना बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली है। इस किताब में 320 पन्ने हैं। इस किट में दूसरी किताब उपलब्ध है द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश सेट 2। इस किताब में आपको घर बैठे प्रयास के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के 450 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर पैटर्न्स दिए हुए हैं। स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस की सहायता से और हमारे टेक्निक के माध्यम से आप घर बैठे 10 मिनट में 500 से भी ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस खुद कर सकते हो। इसी प्रकार 450 से भी ज्यादा स्ट्रक्चरल पैटर्न्स की प्रैक्टिस आप आसानी से करके हर रोज अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर सकते हो। और यह टेक्निक सीखने के लिए आपको हमारा वीडियो लेक्चर्स तथा एनिमेशन का शेड्यूल देखना जरूरी है। और हर रोज घर बैठे अंग्रेजी की प्रैक्टिस करने के लिए स्ट्रक्चरल पैटर्न का बुक सिर्फ यू कैन स्पीक किट में ही उपलब्ध है। इस किताब में 116 पन्ने हैं। इस किट में तीसरी किताब है प्रैक्टिकल वर्कबुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर साई ग्रामर सेट 3। यह इंग्लिश ग्रामर का सबसे अच्छा प्रैक्टिकल वर्कबुक है। इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स तथा सॉल्व सेंटेंसेस टेक्निक्स के साथ दिए हुए हैं। इस किताब में इंग्लिश ग्रामर के ए टू जेड टॉपिक्स आसान भाषा में और अलग तंत्र के साथ कवर किए हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए, सीखने के लिए तथा कोई भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए यह किताब महत्वपूर्ण है। इस किताब में 148 पन्ने हैं। इस किट में चौथी किताब है द बेस्ट बुक फॉर रीडिंग एंड राइटिंग सेट 4। अंग्रेजी पढ़ने के लिए, कोई भी स्पेलिंग्स बनाने के लिए तथा प्रोनंसिएशन के लिए यह किताब अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस किताब में 124 पन्ने हैं। ध्यान में रखिए, हमारी सब किताबें तथा नोट्स मार्केट में मिलने वाली किताबों से सबसे अलग और प्रभावशाली है। 100% रिजल्ट के लिए 4 किताबों के साथ हमारा वीडियो लेक्चर्स का शेड्यूल देखना जरूरी है। यू कैन स्पीक किट के निर्माण के बाद मार्केट में और भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे हैं तथा भविष्य में और भी होंगे, लेकिन न तो उनके पास हमारे जैसे टेक्निक्स है और 100% रिजल्ट है। तो यू कैन स्पीक किट को ही ऑर्डर क्यों करें? यू कैन स्पीक किट की फाउंडेशन को आज तक कई सारे स्टूडेंट्स तथा टीचर्स को पढ़ाने का दीर्घ अनुभव है। घर बैठे अंग्रेजी सीखने तथा बोलने के 500 से भी ज्यादा सबसे आसान और इफेक्टिव टेक्निक्स सिर्फ यू कैन स्पीक किट में ही उपलब्ध है। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग, डायरेक्ट लाइव क्लासरूम एक्टिविटीज विद स्टूडेंट्स विद 100% रिजल्ट्स, जो आज तक मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट में उपलब्ध नहीं है। सबसे आसान भाषा, प्रॉपर सिक्वेंस तथा 50 डेज इफेक्टिव स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर शेड्यूल्ड। इस किट के निर्माण में कई सारे एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर्स की राय तथा सहायता भी ली गई है। यू कैन स्पीक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र तथा महाराष्ट्र के बाहर कई राज्यों में अनेक पाठशाला में चल रहा है तथा इसका अच्छा रिजल्ट छात्रों तथा अध्यापकों को मिल रहा है। इसके अनेक प्रमाण पत्र हमारे पास उपलब्ध है।
यू कैन स्पीक किट यह गुड साउंड एंड वीडियो क्वालिटी विथ परफेक्ट नोट्स एंड अफोर्डेबल प्राइस मीन्स कम कीमत में अब पेन ड्राइव वर्जन में चार किताबों के साथ उपलब्ध है। किट पढ़ते समय अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे एक्सपर्ट टीचर्स की सहायता भी ले सकते हो, तो इसलिए आप हमारा यू कैन स्पीक किट तुरंत ऑर्डर कर सकते हो। कृपया यू कैन स्पीक किट की पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से लेके तथा सब डेमो वीडियोस हमारे यूट्यूब फेसबुक पे देखिए ही। सीक्वेंस वाइज एंड डे वाइज कंप्लीट कोर्स के लिए आप पेन ड्राइव एंड फोर बुक्स के लिए तुरंत ऑर्डर कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स में आपको पेन ड्राइव एंड फोर बुक्स साथ में ही मिलेंगे। इस किट को ऑर्डर कैसे करें? यह किट पेन ड्राइव वर्जन में चार महत्वपूर्ण किताबों के साथ उपलब्ध है, और अगर पेन ड्राइव वर्जन की ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो इसकी कीमत सिर्फ 2150 ओनली रहेगी। तो आप तुरंत आपका पूरा नाम, पता, पोस्टल पिन कोड, मोबाइल नंबर हमें सिर्फ टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप या मेल करें। यू कैन स्पीक किट को पढ़ने का एक और आसान तरीका उपलब्ध है। अगर आप हमारा पूरा कोर्स शेड्यूल शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ आपके मोबाइल में पढ़ना या देखना चाहते हो तो आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके पूरे एक साल तक अच्छी तरह से पढ़ सकते हो और उसे बार बार देख सकते हो। और अगर आपको हमारे ऐप से हिंदी इंग्लिश का शेड्यूल चार किताबों के साथ खरीदना है तो यू कैन स्पीक किट एंड ऐप डाउनलोड करें और मराठी इंग्लिश वर्जन का शेड्यूल चार किताबों के साथ खरीदना है तो वीडी शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस ऐप डाउनलोड करें। लेकिन हमारा संपूर्ण शेड्यूल आपको परचेस करना होगा और ऐप शेड्यूल की कीमत हमारे पेन ड्राइव वर्जन से कम रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें तुरंत संपर्क करें और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको हमारे फोर बुक्स उस शेड्यूल के साथ पढ़ना जरूरी है। इसीलिए यह शेड्यूल अगर आप हमारे ऐप से खरीदते हो तो आपको फोर बुक्स उस शेड्यूल के साथ हमारी तरफ से स्पीड पोस्ट या कुरियर के द्वारा भेजे जाएंगे और उसका कोई अतिरिक्त शुल्क या चार्ज आपको नहीं लगेगा। हमारा शेड्यूल परचेस करने के बाद ही हमें संपर्क करें और फोर बुक्स के लिए आपका पूरा नाम, पता हमें व्हाट्सएप, मेल या टेक्स्ट मैसेज करें और पूरे कंफर्मेशन के बाद ही हम आपको यह फोर बुक्स हमारे खर्च से स्पीड पोस्ट तथा कुरियर के द्वारा भेजेंगे। ध्यान में रखिए, हिंदी इंग्लिश के लिए हमारा यू कैन स्पीक किट एंड ऐप डाउनलोड करें और मराठी इंग्लिश वर्जन के लिए वीडी शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस ऐप डाउनलोड करें। हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आप हमारे ऐप के स्टोर में जाके पूरा वीडियो लेक्चर शेड्यूल खरीद सकते हो। एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में आपको सिर्फ हमारे डेमो वीडियोस मिलेंगे, लेकिन अगर आप स्टोर में जाके हमारे पूरे वीडियोस बाय करते हो तो आपको डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज शेड्यूल मिलेगा। ध्यान में रखिए, हमारे ऐप से कोर्स परचेस करने के लिए स्टोर में जाए और ऑनलाइन पेमेंट करें। हमारे पेन ड्राइव वर्जन में जो शेड्यूल है वही संपूर्ण शेड्यूल हमारे ऐप में उपलब्ध है और हमारे ऐप में लॉग इन करते समय एज अ स्टूडेंट लॉग इन करें। हमारी किट की प्राइस तथा सब ऑफर्स सिर्फ लिमिटेड पीरियड्स तक ही है, कृपया तुरंत ऑर्डर करें। हमारे ऐप का प्रॉपर यूज और अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। यह किट आपको स्पीड पोस्ट तथा कुरियर के द्वारा भेजी जाएगी। ऑर्डर करने के बाद या आपके कंफर्मेशन के बाद आपका ऑर्डर नंबर टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप किया जाएगा। यह किट आपको ऑर्डर करने के बाद 6 से 8 दिन में मिल जाएगा। अगर आपको किट मिलने से पहले या किट मिलने के बाद 1 साल तक किसी भी तरह की समस्या आती है तो हमारा आपको पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि यह एक एजुकेशनल प्रोडक्ट है और आपका समय और शिक्षा हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और यही काम हमारा फाउंडेशन कई सालों से करता आ रहा है। कृपया पूरी जानकारी लेके ही आप हमें कॉल करें या हमें व्हाट्सएप तथा मेल करें। इस किट की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब पे 2 चैनल है। हिंदी वर्जन की इंफॉर्मेशन के लिए आप यू कैन स्पीक इंग्लिश किट सब्सक्राइब करें और मराठी वर्जन के लिए वीडी शिंदे स्पोकन इंग्लिश किट एंड क्लासेस यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। अगर आपने हिंदी इंग्लिश किट का ऑर्डर किया है तो आपको हिंदी इंग्लिश किट ही मिलेगी और अगर आपने मराठी इंग्लिश वर्जन किट ऑर्डर किया है तो आपको मराठी इंग्लिश वर्जन की किट ही मिलेगी। और यूट्यूब चैनल यू कैन स्पीक इंग्लिश किट और फेसबुक पेज यू कैन स्पीक इंग्लिश किट और वेबसाइट
www.youcanspeak.in. For Marathi information, our YouTube channel VD Shinde's Spoken English Kit and Classes. Our contact number 9822053311, 9763261988, 7020790165, 7020948566. Thanks, and wish you all the best.